हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन क्वेश्चन सेज फाइंड एन इफ टू एन प्लस वन पी एन माइनस वन इज टू टू एन माइनस वन पी एन इज इक्वल टू थ्री इज टू फाइव एन के लिए हमें सोल्व करना है चार हमें ऑप्शन दिए गए ए बी सी एन डी देखिए रेशो दिया गया हमें लिखते हैं टू एन प्लस वन पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई रेशियो का मतलब यही तो होता है टू एन माइनस वन पी एन इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव आपको दिया गया है अब एन पी आर को हम कैसे सोल्व करते हैं एन पी आर के लिए फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल तो इसे हम लिख सकते हैं टू एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू एन प्लस वन एन की जगह टू एन प्लस वन है ना इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं ये वाला सब्ट्रैक्ट करूंगी तो एन नेगेटिव हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा पूरे का फैक्टोरियल और जो डिनोमिनेटर में है इसे मैं जो सोल्व कर रही हूँ मल्टीप्लीकेशन में सोल्व कर रही हूँ तो मल्टीप्लीकेशन में जब ये जाएगा देखिए आपके पास ये हो ए बाई बी इज बाय सी बाई डी ये इक्वल किसके होगा पहले दो फैक्टर तो ए बाई बी तो एज़ इट इज़ मल्टीप्लीकेशन में लिखें तो डी बाई सी हो जाएगा तो अब यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा टू एन माइनस वन माइनस एन एन माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा ना एन की जगह टू एन माइनस वन है और आर की जगह एन है और डिनोमिनेटर में हो जाएगा टू एन माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव सिर्फ मैंने इस डिनोमिनेटर में आप पहले यहाँ डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं और फिर ये रिवर्स कर दिया मैंने एक साथ दो, दो स्टेप एक साथ कर दिए हैं अब हम इसे सोल्व करेंगे सिर्फ देखिए टू एन प्लस वन फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ टू एन प्लस वन इंटू टू एन इंटू टू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखिए ये हो जाएगा एन प्लस टू फैक्टोरियल इसे मैं एक बार एन प्लस टू फैक्टोरियल ही लिख लेती हूँ और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ बन जाएगा ये एन माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ तो हमारे पास है ही टू एन माइनस वन फैक्टोरियल अब यहाँ एन प्लस टू फैक्टोरियल है देखिए इस एन प्लस टू फैक्टोरियल को मैं यही ठीक करके लिख रही हूँ एन प्लस टू फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ एन प्लस टू कम करेंगे तो एन प्लस वन कम करेंगे तो एन और एक कम करेंगे तो एन माइनस वन फैक्टोरियल और राइट हैंड साइड में तो थ्री बाई फाइव ही था अब टू एन माइनस वन फैक्टोरियल से टू एन माइनस वन फैक्टोरियल कट गया एन फैक्टो माइनस वन से एन माइनस वन कट गया इस एन से ये एन कट गया ओके okay? सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है अब हम इसे सिंप्लीफाई करना है अगर लेफ्ट हैंड साइड में बच गया टू एन प्लस वन और फाइव से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी तो फाइव टाइम्स ऑफ टू एन प्लस वन और टू भी है साथ में मल्टीप्लीकेशन में ये वाला टू भी तो लेंगे ना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में थ्री है और एन प्लस टू है इन टू में एन प्लस वन है तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया टेन और टेन को टू से टू एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी एन प्लस टेन और राइट हैंड साइड में बन जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू अब इसे इधर हम सोल्व कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ट्वेंटी एन प्लस टेन ही है और राइट हैंड साइड में थ्री एन प्लस नाइन एन प्लस सिक्स है तो ये बन गया थ्री एन स्क्र माइनस इलेवन एन और ये उधर जाकर माइनस फोर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो यहाँ हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो एन माइनस फोर बनेगा एक फैक्टर और एक फैक्टर बन जाएगा थ्री एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो एन की हमें दो वैल्यूज मिली एक तो फोर मिल गई और एक माइनस वन बाई थ्री मिल गई लेकिन माइनस वन बाई थ्री तो रिजेक्ट करनी पड़ेगी हमें क्योंकि नेगेटिव नहीं ले सकते हम नेचुरल नंबर होता है एन तो एन की जो फाइनल वैल्यू है वो हमें क्या मिल गई फोर तो क्या हमारा आंसर हो गया फोर ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन सी इज करेक्ट होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक